अब बात सत्य और तथ्य की। मैं आपको सबसे पहले एक पुरानी कहानी सुनाता हूं, और ये बड़ी पुरानी कहानी आपने शायद सुनी होगी, जो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन एक बार फिर सुन लीजिए। आज मेरे साथ एक लकड़हारा था जिसके चार बेटे थे, लेकिन चारों बटे हुए थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। लेकिन लकड़हारे ने इस परेशानी का हल ढूंढते हुए अपने चारों बेटों को बुलाया और एक लकड़ी का गट्ठर को रस्सी से बांधने के लिए कहा। इसके बाद चारों बेटों को बारी बारी से इसे तोड़ने को कहा, जिसमें चारों बेटे फेल हो गए। इसके बाद लकड़हारे ने अपने बेटों को समझाया कि ये एकता की ताकत है जिसे तोड़ना आसान नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आज इस कहानी को सुनाने का कंटेस्ट क्या है, तो ये कंटेस्ट आपको भी मैं समझा देता हूं। बिहार की नीतीश बाबू की सरकार ने आज जाति के आधार पर सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बिहार की आबादी में करीब 82% हिंदू आबादी है, 17.7 करीब 18% मुसलमान है, और बाकी 0.3% आबादी में सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई जैसे समुदाय हैं। सवाल है कि आखिर आबादी के इस ब्रेकअप के कार्ड की जरूरत क्यों पड़ गई है? तो ये पूरा खेल समझिए। बिहार की राजनीति में चाहे लालू यादव हो या फिर नीतीश कुमार, दोनों की सियासी धुरी जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। लालू यादव ने MY यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक को साधते हुए अपनी पॉलिटिक्स चमकाई, तो दूसरी ओर नीतीश कुमार ने दलित के साथ महादलित का दाव चलकर लगातार अपनी सियासी हैसियत को बढ़ाया। बिहार में 16% दलित मतदाता काफी अहम माने जाते हैं। रामविलास पासवान इन्हीं दलितों के सहारे LJP की राजनीति खड़ी करना चाहते थे, लेकिन करीब 18 साल पहले सत्ता में आते ही नीतीश कुमार ने महादलित का ऐसा दाव चला कि जन लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीति छोटे एरिया में सिमट के रह गई। और आज जाति वाली जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक बिहार में पिछड़े वर्ग की आबादी 27% से ज्यादा है, जबकि अति पिछड़ा वर्ग की आबादी 36% से अधिक है। अब आपको सियासत का असली खेल समझाता हूं मैं, क्योंकि बीजेपी पर दशकों से धर्म की राजनीति का आरोप लगता रहा है। तो क्या यह जाति वाला कार्ड धर्म की राजनीति का तोड़ खोजने की एक बड़ी चाल है? क्योंकि अगर एकजुट हिंदू वोट बैंक देखें तो वो अकेले 82% है, यानी ये वोट बैंक जिसके साथ भी जुड़ा उसकी जीत सुनिश्चित है। लेकिन अब इस 82% को हिस्सों में बांट के देखिए तो बिहार में यादव 14%, कुशवा 4% से ज्यादा, ब्राह्मण, ठाकुर, भूमियार और कुर्मी करीब 3-3% है, बनिया और मल्ला लगभग 2.5%, यानी ब्रेकअप देखे तो 82% कई टुकड़ों में बट जाता है, अलग अलग भागों में बट जाता है और अलग अलग वोट बैंक में बदल जाता है। तो सवाल है, क्या यह पूरा का पूरा मामला इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन की बांटो राज करो वाली रणनीति का एक बड़ा केंद्र बिंदु है? क्योंकि इस गठबंधन के सभी दलों ने एक सुर में जाति वाली जनगणना का समर्थन किया है। लेकिन अब मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलता हूं। याद कीजिए, कुछ हफ्तों पहले रामचरितमानस को अपशब्द कहे गए, इसे दलित विरोधी बताया गया और ब्राह्मणों को जमकर कोसा गया। फिर इसके बाद सीधे सीधे सनातन को समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ मौजूदा दौर की नहीं है, लालू यादव के दौर में एक नारा था जो कि खूब उछला, पूरा बाल साफ करो, यानी भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला यानी कायस्थ। और बात सिर्फ बिहार की नहीं है, यूपी में बसपा का एक नारा बुलंद था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, आगे की बात मैं नहीं कहूंगा। यहां तिलक का मतलब था ब्राह्मण, तराजू का मतलब था बनिया और तलवार का मतलब था ठाकुर राजपूत। इसी के बाद कहानी थोड़ी और आगे बढ़ी, जब मुलायम सिंह और काशीराम एक हुए तब एक नारा लगा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यहां मुलायम और काशीराम के मिलने का मतलब था दलित, मुस्लिम, यादव वोट बैंक का एक साथ जुड़ जाना। तो सवाल है कि एक बार फिर से इतिहास दोहराने की कोशिश हुई है क्या, फिर वोट के लिए या फिर वोट के लिए बंटवारा पॉलिटिक्स का एक खेल खेला जा रहा है? मुझे आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, क्योंकि ये मंडल पार्ट 2 भी गिना जा रहा है, यानी ये मंडल पार्ट 2 भी है। फिलहाल आर पार में इतना ही, अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने के लिए।